जैसे कि हम पहुंच चुके हैं अभी उज्जैन, और उज्जैन पहुंच चुके हैं अभी आसन जाएंगे, होटल बुक करेंगे, वहां से महाकालेश्वर के फिर दर्शन करेंगे। तो जैसे कि अभी उज्जैन स्टेशन का नाम पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा, अभी हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम उज्जैन यानी अभी से यहाँ से होटल का कुछ हमने पहले से बुक नहीं किया था, क्योंकि हम अचानक प्लान बन रहा था, अभी जाके हम होटल बुक करेंगे, उसका देखेंगे होटल का प्राइस क्या है, उसके हिसाब से हम सब करेंगे। तो अभी हम होटल बुक करने जा रहे हैं, यहाँ से अभी रिक्शा मेरी टीम यानी मेरे दोस्त लोग बुक कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से रिक्शा बुक करके डायरेक्ट होटल मिलेंगे, उसके बाद आपको हम महाकाल के दर्शन और उज्जैन की अच्छी अच्छी जगहों का आपको टूर कराएंगे। ओके, मिलते थोड़ी देर बाद। मिले जैसे कि मैं रूम में आया, आपको रूम का टूर देने जा रहा हूँ, जैसे कि हमारा रूम है ये 4-5 बेड रहा है, सुबह से आए, शाम को मैं ब्लॉग बना रहा हूँ कि मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता। और अभी हम रात को व्यू देखने जा रहे हैं, जो नया उज्जैन का बना हुआ है, यानी जो अभी नया बना को नाम नहीं मालूम, अभी नया बना है, रात को आपको उसका थोड़ा ब्लॉग देखते हैं। जैसे कि हम महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर आ चुके हैं, तो जैसे मेरे पीछे आपको महाकालेश्वर का गेट दिख रहा होगा इस वीडियो में, तो अभी हम इधर ये प्रसाद हमने लिया है, अभी हम अंदर जाएंगे और थोड़ी देर बाद इसका जो ये हम भगवान से पूजा उजा करके फिर आपको बाहर का जो न्यू बना है उसको हम आपको पूरा घुमाएंगे और एक्सप्लोर कराएंगे। और जैसे कि अभी हम एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं, अभी एंट्री हम करने आ रहे हैं, उसके बाद आपको आगे हम लोग, मैं अंदर का ब्लॉग नहीं दिखा सकता, ये जो अंदर का ब्लॉग है उधर मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं आपको इधर का नॉर्मली आपको बाहर के भी दिखा दूंगा, और ये गेट आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में, जिससे आपको पीछे का सब जगह का व्यू आपको इस वीडियो में मिल जाए। ओके, मिलते हैं। मैंने आप लोग वीडियो में देख सकते हो कि अभी हम उज्जैन के महाकालेश्वर कॉरिडोर में, और ये सामने शिव जी की मूर्ति देखने बहुत ही अद्भुत लग रही है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, एक तालाब भी है, तो आप लोग स्टूडियो में देख सकते हैं ये कॉरिडोर के बाहर की यानी झील जो है वो है, पर देखने में यानी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आप यहाँ विजिट करके एक बार महाकालेश्वर के दर्शन करके इस कॉरिडोर में घूम सकते हैं, यानी आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं। अवरेंद्र कृष्णा घूम रहे थे, घूम ही रहते, आप देख सकते हो यहाँ की सुंदरता बहुत अच्छी है, खम्भे यहाँ है अलग अलग तरह के, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जगह भी आपको हम सब जगह घुमाएंगे। तो यहाँ सब और बोर्ड मारा हुआ है, देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आपको बोर्ड, इस बोर्ड में लिखा हुआ है कौन यानी किधर किधर जाना है, किधर नहीं, और किस जगह पे कौन सा मूर्ति है, कौन सी नंदी महाराज है, सबका आपको इसमें दिख रहा होगा। और अभी यानी सुबह के अभी दिन में 8 बजे का टाइम है, इसी थोड़ा धूप निकली है इस साइड, और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं यहाँ एक बहुत यानी अच्छा मंदिर है, भारत माता का मंदिर का पीछे का जो व्यू है वो है, और यहाँ अलग अलग पोस्टर मारा है, थोड़ा गार्डन जैसा बनाया हुआ है। देख सकते हो इसमें अलग अलग मूर्तियों की यानी तस्वीर बनाई गई है, और ये तस्वीर यानी बहुत अच्छा दिख रहा है, महाकाली माता है, और इस सेकंड मुझे याद नहीं है कौन सी माता है, पर ये महाकाली अलग अलग माताओं की यहाँ तस्वीर लगी हुई है। और अभी हम जा रहे हैं अपना बैग लॉकर में रखने के लिए, अभी लॉकर नहीं हमारे पास, इसलिए बैग को टांगे हुए बैग ढक के उसके बाद आपको लोग दी गई। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अभी हम महाकालेश्वर के कॉरिडोर में आ चुके हैं जो नया बना हुआ है, तो देख सकते हो यहाँ से अभी हम यानी स्टार्टिंग गेट के थोड़ा लास्ट की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं लास्ट से। जैसे कि आप देख सकते हो शिव जी की जो प्रतिमा है उसमें सर से उनके पानी निकल रहा है, जो फुहारा है आप देख सकते हो, पूरी लाइटिंग है रात में और जोरदार, यानी बहुत अच्छा दिखता है ये, आज देख सकते हो पूरा बना हुआ है, ये देख लो, ये इस साइड भी ऐसा सेम है, यहाँ बैठने के लिए आपको ये भी मिल जाएगा, और ये सामने साइड बहुत अच्छी जगह है यानी। और आप भी यहाँ मिल रहे, आप इस वीडियो में बने रही है, आपको और भी जगह और भी अच्छी अच्छी मूर्तियां यहाँ सप्तऋषि एंड अदर्स मूर्तियां बनाई है, जिसके बाद हम आपको भी ले चलते हैं। देख सकते हो ऊपर नंदी महाराज की प्रतिमा 4 बनाई हुई है, आपको 3 दिख रही है, जो फर्स्ट में इधर दिख रही है, उधर भी उसके बाजू में भी एक प्रतिमा बनाई है,